जो लोग मुंबई में नए होते हैं उनको लोकल ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उसकी क्या टाइमिंग है, और अगर हमें अपना पास बनवाना है पूरे मंथ का तो हमें कैसे बनवाना है, कितना चार्जेस लगता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कौन सी लोकल स्लो होती है फास्ट होती है, क्या होता है इसका मतलब, फर्स्ट क्लास क्या होता है, सेकेंड क्लास क्या होता है, उस सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। हेलो गाइज, मैं हूं विनोद का मुंबई ब्लॉग यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकल ट्रेन का टिकट या फिर हमें पास उसका कैसे लेना है। गाइस बहुत सिंपल है, ये दो तरीके से आप कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहले हम ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं। गाइस किसी भी टिकट विंडोज के पास जाओगे आप, वहाँ पे नॉर्मली आप पैसे देके टिकट ले सकते हो, इजीली आपको मिल जाता है। अगर पास का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओगे आपको इजीली मिल जाता है। मंथली या फिर 3 मंथ का या फिर 6 मंथ का या फिर पूरे 1 ईयर का आपको पास वहाँ पे मिल जाता है। सो गाइस अगर आप मुंबई में नए हो और आप ट्रेवल करने जा रहे हो लोकल ट्रेन में, तो आपको एक एप्लीकेशन जरूर से इंस्टॉल करके रखनी चाहिए, उसका नाम है एम इंडिकेटर। आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजीली वो मिल जाएगा। आपको उसको इंस्टॉल करना है, उसको कैसे यूज़ करना है मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ A to Z। बने रही वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस ये हमारा एम इंडिकेटर लोकल ट्रेन का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है वो हमारा ओपन हो चुका है, और इसमें हमें क्या करना है, लोकल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं हमें 3 सेक्शन दिखता है, स्टेशन, A to B, फेयर। अब हमें क्या करना है, A to B पे जाना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप नए हो तो आपको A to B सेक्शन पे जाना है, आपको इजी रहेगा, ठीक है। अब इसमें जाइए सोर्स वाले कॉलम में। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे बोरीवली से अंधेरी जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे बोरीवली टाइप कर देंगे, ठीक है। अब आपसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है, तो डेस्टिनेशन में आप मान लो अंधेरी जाना है आपको, ठीक है, हम अंधेरी पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हो टाइम 12:07 हो रहा है, यहाँ पे भी शो कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे बोरीवली से अंधेरी का जो ट्रेन रहेगा वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है 12:08 पे ट्रेन है, चर्च गेट फास्ट। अब फास्ट और स्लो का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ। गैस फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत फास्ट स्पीड से चलेगी और जो स्लो होता है बहुत स्लो स्पीड से चलेगी, ऐसा नहीं होता है। स्लो का मतलब होता है कि जो स्लो ट्रेन रहेगी वो हर स्टॉप पे रुकते हुए जाएगी, और जो फास्ट रहती है वो बहुत गिने चुने स्टेशन पे ही रुकती है, बस यही सिंपल सा मतलब है। बहुत लोग सोचते थे कि स्लो का मतलब होता है कि बहुत फास्ट स्पीड से जाती है, स्लो का मतलब है स्लो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि बोरीवली में कौन से प्लेटफॉर्म पे हम खड़े रहेंगे कि हमें ये ट्रेन मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आपको रहना है। अब कौन से स्टॉप पे आपको अंधेरी में उतारेगी, प्लेटफॉर्म नंबर 7 यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। देखो 12:08 पे आप यहाँ बैठोगे, 12:24 पे आप अंधेरी पे रीच कर जाओगे। बस सेम इसी तरह से अगर आपको देखना है कि नेक्स्ट ट्रेन कौन सी है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। इसी तरह 12:11 पे एक ट्रेन है, 12:14 पे एक ट्रेन है, 12:21 पे ट्रेन है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस हम बात कर लेते हैं इसके टिकट प्राइस का। तो सिंपली आपको टिकट फेयर पे क्लिक करना है, और आपको दिखा रहा है यहाँ पे रेगुलर टिकट, सेकेंड क्लास का 10 रुपये, फर्स्ट क्लास का 70 रुपीज़ और AC का 85 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोरीवली से आपको अंधेरी जाना है एक साइड में, वहाँ से रिटर्न आना है, तो उसका चार्जेस 20 रुपीज़ हो जाता है। अगर आपको एक साइड से जाना है तो आपको 10 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसी तरह से 1 मंथ का पास यहाँ पे देखेंगे तो 135 रुपीज़ का पड़ेगा, और फर्स्ट क्लास का 490 रुपीज़ और AC का 820। यहाँ पे सारा आपको 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर इस तरह से पूरा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। सो गाइस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना बहुत आसान हो जाता है। इवन आप नए हो फिर भी आपको कुछ भी किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।